भाई दो चीजें इस वक्त निकल के आ रही, पहला कि आरसीबी इस बार कप जीतने वाली है क्योंकि तीन वजह है, दूसरी आरसीबी इस बार वो काम करने वाली है जो काम उसकी मेंस टीम ने किया था। स्मृति मंधाना ने कहा था कि हम लेगेसी को फॉलो करेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा एक्सट्रीमली फॉलो की कुछ ज्यादा जबरदस्त टाइप से फॉलो कर रहे हैं। मतलब आप बताओ यार, सब बताओ, देखो मतलब क्या खतरनाक चल रहा है। पहले सीजन में आपने सेकंड लास्ट फिनिश किया था, ठीक है, दो मैचेस आप जीते थे, सेम हुआ था, सेम हुआ था। सेकंड सीजन में ओपनिंग दोनों मैचेस आपने जीते थे, ओपनिंग दोनों मैच यहां से भी जीती है, जीते, और आरसीबी फाइनल खेले थे, आप फाइनल खेल रहे हो, ओ भाई, और फाइनल हारे थे। नहीं नहीं, वो छोड़ देते हैं, वो वहां तक नहीं जाते हैं। विराट कोहली की दूसरे सीजन के दूसरे मैच में दिल्ली के खिलाफ पहली हाफ सेंचुरी आई थी, स्मृति मंधाना की दूसरे मैच में पहली हाफ सेंचुरी आई। बहुत सारे इत्तेफाक हो रहे हैं। मतलब क्या लिख रहे हो, वो कौन है, क्या लिखा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, इतना ज्यादा सेम सेम कैसे हो सकता है यार। पूरा सेम ना हो जाए, फाइनल टूट जाएगा वरना। हां नहीं, वहां देखो, वहां दिल्ली से नहीं खेला था, तो बहुत चीजें, यू नेवर नो, यू नेवर नो। ऐसा तो एमआई को भी नहीं हराया था, You never know, क्या आ रहा है हमारे सामने, बट ईसाला कप नाम से ईसाला एक इंच क्लोज आ गए हैं। ठीक है, मतलब बट अपार्ट फ्रॉम दी मजाक, एलिसा पेरी यार कमाल है लड़की, धमाल है लड़की। आप मेंस क्रिकेट से कंपैरिजन कर रहे हो दोस्त, कर लो। अगर आरसीबी के पास वहां पे डिविलियर्स थे तो यहाँ पे स्मृति मंधाना के पास एलिसा पेरी है। 6 विकेट, 40 रन से मैच हराया इसी एमआई को जी, 40 रन बना के चौका लगा के मैच फिनिश किया था। और अब इस वाले मैच में क्या किया, इस वाले मैच में पहले वन मैन आर्मी यार, ऐसे वही जो एबी डिविलियर्स ने करा, हाँ, 47 बॉल में 79 रन, 5 छक्के 5 चौके उन्होंने लगाए थे। क्वालिफायर था वो भी पहला वाला, गुजरात लायंस के अगेंस्ट हम खेल रहे थे, कमाल हुआ था, 29 पे 5 विकेट थे। और आज भी करीब करीब वही हाल था, ऑलमोस्ट वही हाल था। आती है अकेली खड़ी हो जाती है और ऐसे डटके खड़ी होती है एलिसा पेरी, प्लेयर ऑफ बिग मैच। हाँ, ऑस्ट्रेलिया अगेन, वही चीज, ऑस्ट्रेलिया एक ऑजी आकर के ये बताता है आपको कि जी प्लेऑफ्स ऐसे खेलते हैं, सीएसके से शेन वॉटसन हो, मतलब प्लेऑफ्स ऐसे खेलते हैं, पूरा सीजन भी खराब चला जाएगा ना, प्लेऑफ्स ऐसे खेलते हैं। वैसे इनका सीजन अच्छा गया, ऑरेंज कैप्टन, ऑरेंज कैप्टन के चेहरे बड़ा जच रही थी, लेकिन फारूक मजेदार, लोग वीडियो कोई भी देख लेते हैं, सोच समझ के बोला थोड़ा सा, जच रही थी, वाकई जच रही थी। अच्छा ठीक है, अच्छी तो लग रही थी खैर, क्योंकि बल्ले से अच्छा काम किया तभी तो। आज भी एक इंपॉर्टेंट पारी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अगर आरसीबी की बात करूं, आरसीबी जीत गई, पर दोस्त बहुत सारी चीजें हैं आपके पास देखने के लिए फाइनल में, बिकॉज मैकग्लेनिंग की डीसी बिल्कुल भी बैक डाउन नहीं करने वाली, ठीक है, करके ठीक है, ठीक है, मैं समझ, लेकिन एक चीज इस मैच के बारे, पता मैच कहाँ जीते, मैच एलिसन ने जीता है, मैच जीता है जॉर्जिया ने, वो लास्ट बॉल का 6। हाँ यार, पहली इनिंग में आखिरी बॉल पर वो 6 आया और 5 रन से मैच जीते यार, मतलब ठीक है, बाकियों ने भी काम किया, नहीं मतलब ये मतलब बहुत जस्ट छोटे छोटे छोटे, हाँ बिल्कुल, जैसे बोला जाता है, मतलब आप कह सकते हो कि लास्ट बॉल के 6 ने डिफरेंस क्रिएट किया, बिल्कुल किया, ऑब्वियसली किया। एक जो वो स्टंप छूटा था, हाँ, वो बवाल हो सकता था, वो एक्चुअल में बहुत बड़ा बवाल था। मैं तो हरमनप्रीत कौर को आप नहीं छोड़ सकते हो ऐसे, मतलब आज के मैच में बहुत सारी चीजें थी यार, ऑब्वियसली एलिसा पेरे थी यार, मतलब क्योंकि बहुत सी चीजें, आप अगर शुरू से शुरू करोगे ना तो शबनम इस्माइल भाई प्रीमियम बॉलर की पहले ओवर में 14 रन से पिट जाती हैं, है ना, हमको लगा कुछ बड़ा होने वाला आज तो धमाका होगा, फिर 7 बॉल 10 रन, दो प्लेयर्स, सोफी डिवाइन, स्मृति मंधाना 14 बॉल में 20 रन मार कर दोनों आउट, अब जो हमने तो चल धमाका होगा वो धमाका शांत है, जी हाँ, है ना, एलिसा पेरी आती है लेकिन बाद में उनके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा था। अब देखो ना, कसत 0, ऋचा घोष 14, मौलिक कसत परेशान भी हो गई थी, निकल के शॉट ले रहे हो, ड्राइव आप ड्राइव कर रहे हो यार, 5 की 5 बॉल ड्राइव में कर रहे हो, फील्डर के हाथ में करी, जैसे आप थोड़ा सा इरिटेट हो जाओगे, उसके बाद 7 बॉल खेल के फिर वेरम 18, लेकिन वेरम के 18 वही उसमें एक छक्का आया, वही और मतलब अकेले यार 50 बॉल में 66 रन आए हैं अकेले एलिसा पेरी ने, 40 बॉल में 50 मारी थी जहां पे आपकी टीम ने रन नहीं बनाए, 136 में से 66 रन के दोस्त, यूनिट 70 आपने पूरी टीम ने बनाए,
66 अकेली और चार में 29 दिए सर, एक विकेट, चार में 29 रन, एक विकेट, और वो क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस, वहां भी मैन ऑफ द मैच, पिछले मैच में आपको यहां तक पहुंचाया, फिर एक बार फिर से जिम्मेदारी ली, फिर से काम किया, अब यहां से और आगे पहुंचाया। यार कोई और सपोर्ट कर दो यार, कोई सपोर्ट तो एटलीस्ट मतलब यार फाइनल में सपोर्ट कर दो, और अगर स्मृति ये नहीं चल पाए, स्मृति यार थोड़ा आप लीड लो, क्योंकि यार मैं अभी भी कह रहा हूं फारूक, हर मैच में नहीं आप उम्मीद नहीं लगा सकते, दो में लगातार बना दिए, कैन नॉट विन यू द ट्रॉफी, एक मैच जिता सकता है, टूर्नामेंट नहीं जिता सकता है, मतलब अच्छी बात, हम चाहते हैं कि जिता दे, मतलब बहुत साल का सूखा, और वो पुराना सवाल कि अगर औरतें पहले जीत गई तो मर्द क्या होगा। नहीं खैर वो अलग चीज है, बट ये हकीकत बात है, आपको सोचने की जरूरत है फाइनल के लिए, क्योंकि खाली एलिसा पेरी पर आप डिपेंड नहीं हो सकते। बात अगर करें फिर MI की, मुंबई इंडियंस, एक वो टीम जहां पर आज सपोर्ट के लिए नहीं था अंबानी थी, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि हारेगी, MI नहीं हारती है, रोहित वाली MI, हाँ ठीक है, लेकिन अब रोहित ही नहीं, लेकिन अंबानी तो खैर ये हरमनप्रीत कौर वाली थी, ओपनिंग बहुत शानदार हुई थी, लेकिन मैथ्यूज के विकेट ने ऐसा लगा कि डिफरेंस क्रिएट कर दिया, बिकॉज बहुत तेज खेल रही थी, ऐसा लग रहा था बॉस बहुत दिक्कत क्रिएट करने वाली है, लेकिन वहां से फिर ऐसा लगा कि पारी को थाम लिया यार हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत स्काईवे बर्न भी आज जब आउट हुई, हाँ, वो भी सही कर रही थी, फिर उसके बाद हरमनप्रीत कौर मेन विकेट जो था वो हरमन का था, बिल्कुल हरमन का था, क्योंकि वो लास्ट तक पहुंच गई थी, क्योंकि एक तो उन्होंने पहले डर दिखाया था, और आज चार नंबर पे आई बैटिंग करने, हाँ ये आज नीचे क्यों आई, अब मतलब मुझे दो चीज समझ नहीं आई, स्मृति मंदाना ने लास्ट ओवर रेणुका को नहीं दिया, आशा शोभना के पास गए आप, वो उन्होंने प्रूव मतलब ठीक है आशा ने प्रूव कर दिया, बट स्टिल आपके पास एक्सपीरियंस जिसने मेड इन डालता, जो नई बॉल से बॉलिंग करती, जो कि डेथ ओवर में अच्छा करती है, उसको आपने रोक लिया, मतलब ये बहुत ब्रेव कॉल था, कि बहुत बड़ा गैम्बल था कि आपको 12 रन चाहिए और आप एक स्पिनर से बॉलिंग करा रहे हो, ये बड़ा गैम्बल था, बट ठीक है, जो भी फॉर्चून फेवर्स थी ब्रेव, कई बार अकाई इफेक्ट की बात चल रही है, मतलब कई सारी चीजें चल रही हैं, अगर हम नहीं करेंगे उस बारे में बात, हम सिर्फ बता रहे हैं कि चल रहा है, चल रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत सी चीजें चलती है सोशल मीडिया पर, तो खैर अच्छा हमारे पॉडकास्ट में प्रवीण कुमार ने भी कहा था इस बार के RCB इस बार ट्रॉफी उठाने वाली है, ये नहीं बताया था मेंस या विमेन, अब भाई अगर विमेन जीत जाएगी वो कह देंगे, मेरी बात सही थी, मेन जीत जाएंगे और दोनों जीत जाएंगे तो मेरी बात बहुत ज्यादा सही, माला लेके चलेंगे उनके घर कि भैया कहां से करिए प्रेडिक्शन आप बताओ, और बताओ अगले में क्यों है वर्ल्ड कप आ रहा है T20, ओ भाई हां इंडिया के लिए बोला वैसे तो अच्छा, बट देखते हैं, खैर इंडियंस हैं तो इंडिया के लिए बोलेंगे जी। कुल मिलाकर कहानी ये है कि भाई MI इस बार नहीं होगा, DC वर्सेस MI फाइनली नहीं है, दूसरे सीजन में DC वर्सेस RCB, फारूक किसे सपोर्ट कर रहे हो आखिर में बता दो बस, RCB RCB का सपोर्ट सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो गरीब जो बहुत मेहनत करता है ना, आप चाहते हो आखिर में यार वो भी अमीर बन जाए, देखो देखो तो मेरे पास दो वजह है, एक तो वो जो आपने कही, दूसरा दिल से दिल्ली है यार, दिल से दिल्ली, दिल्ली गरीब है अपने बैंगलोर से ज्यादा, चलो ठीक है, है ना, इधर दिल्ली है इधर बैंगलोर, देखते हैं फाइनल में, असल में हरियाणा खेलता नहीं है ना और बिहार की टीम नहीं है यूपी एलिमिनेट हो चुका है, यूपी एलिमिनेट हो चुका है, तो बची कुछ चीजें उसको बांट लेते हैं, अब हम जाते हैं अपने घर से पास में कौन है, तो दिल्ली अपने पास है और दिल्ली दिलवालों की है, ठीक है, RCB वर्सेस दिल्ली, RCB वर्सेस दिल्ली, RCB दिल्ली, देखते हैं आपको क्या लगता है।